द रोल ऑफ पार्लियामेंट संसद की भूमिका फ्रॉम द टॉपिक टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट कि राष्ट्रीय सरकार चुनने का क्राइटेरिया जो कैसे चुनी जाती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू सेलेक्ट द नेशनल और यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट का सबसे मुख्य काम होता है राज्य राष्ट्रीय सरकार चुनना आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन आर ओवर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ़ न्यूली इलेक्टेड एम पीज़ बिलोंगिंग टू डिफ़रेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे ही लोकसभा के जो इलेक्शन्स ख़त्म होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है जो एम पीज़ जो जीत किस किस पार्टी से हैं जो जीते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और फिर देखा जाता है कि मोर दैन हाफ वोट्स किसने किसके मेम्बर्स हैं मोर दैन हाफ मेम्बर्स जिस बेटा पार्टी के होते हैं पोलिटिकल पार्टी के तो उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा इनवाइट किया जाता है और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है और फिर प्रधानमंत्री जो है एक लिस्ट सबमिट कराता है अपने एम की जो मंत्रिमंडल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए जो निर्धारित किए जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ये सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करता है The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, forms the executive organ of the government. The ministers are allotted different areas of government functioning like health, finance, defense, education, etc. They are the administrative heads of various departments at national level. As we have read earlier, the main work of the executive is to implement the laws made by the parliament. अब क्या है इन मेंबर्स को जो इन मिनिस्टर्स हैं इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं किसी को एजुकेशन हेल्थ फाइनेंस वगैरह और हमने सब पढ़ा ही है कि एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को मतलब जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ लोकसभा जो लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वही लोकसभा का लीडर कहलाता है अपार्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कलकोलशन फ्रॉम द अपोजिशन दिस लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन इज कॉल्ड द लीडर ऑफ ओपोजिशन अब जिसने सरकार बना ली और उससे कम जिसके मेंबर्स हैं वो पार्टी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी जो है उसकी विरुद्ध पार्टी जो है वो कहलाती है एज़ हैज़ बीन द प्रैक्टिस इन रिसेंट पास्ट If a single political party is unable to get the majority on its own, it ज्वाइन together with other like-minded parties to form a majority. Such a government is called coalition government. अब कई बार क्या होता है किसी को भी बहुमत हासिल नहीं होता तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है बेटा बेसिकली कोलेशन गवर्नमेंट बनती है दो या तीन पार्टियां मिल के मेजोरिटी बना लेती हैं और जो मिली जुली सरकार है वो चलाती हैं उस सरकार को कोलेषन गवर्नमेंट भी कहा जाता है अ कोलेशन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स द कोलेशन पार्टन माइट सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड द मेम्बर्स मे प्रेफर नॉट टू जॉइन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अब जरूरी नहीं वो एक ही पार्टी का हिस्सा गिने जाएं वो अपनी अपनी पार्टियों में रहकर भी मिलकर सरकार चलाते हैं द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है संसद का इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू बिकम अ लॉ अ बिल हैज़ टू बी पास्ड बाई लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा कोई भी बिल कोई भी जो लॉ है वो राज्यसभा और लोकसभा के बिना नहीं मतलब पास होता द राज्यसभा हैज़ द पावर टू चेंज सर्टेन प्रोविजन इन द बिल राज्यसभा के पास इतनी पावर है इतनी शक्ति है कि वो कुछ चेंजेस भी हैं जो बिल में कर सकती है इट्स पावर रिगार्डिंग अ मनी बिल इज़ लिमिटेड लेकिन हाँ मनी बिल को लेके इनकी पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं वो ज़्यादा नहीं हैं द प्रेजिडेंट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट लो कैन बिकम नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस द पार्लियामेंट गिवस इज एसेंट टू इट लेकिन जो राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है वह मुख्य है उसके बिना कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हो सकता अगर उसने एसेंड नहीं दिया है तो बेसिकली टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कंट्रोल गाइड और इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कैसे किया जाता है पर हैप्पस द मोस्ट वायरल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर लॉप लैप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल अब सबसे बड़ा काम है कि सरकार जो है वो तरीके से काम करे अपनी पावर्स का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए लोगों के हित में काम करे द पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री मेम्बर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा स्तर है किसी भी डिबेट का कंट्री के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है बिना किसी डर के द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिनस विद अ क्वेश्चन आर द क्वेश्चन आर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनी एम पी कैन रेज अ क्वेश्चन टू अलिक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मिनिस्टर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जो एमपी है वो किसी के भी प्रति क्वेश्चन उठा सकता है किसी के भी काम के ऊपर द क्वेश्चन मे बी रिलेड टू एन एम पीज कॉन्स्टिट्युएंसी और जनरल फंक्शिंग ऑफ द गवर्नमेंट बस हाँ वो काम और सरकार से रिलेटेड होना चाहिए इट्स नॉट अ पर्सनल एज मिस्ट मिनिस्टर्स हैड डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेम्बर्स कैन आस दम क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट इज रिमाइंडेड ऑफ इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड इट इज़ केप्ट ऑन इट्स टोज तो वो किसी भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर उससे किसी भी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं द गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन एंड द कंसर्नस ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव सरकार को भी हक है कि जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के लिए क्या कर रहा है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एम पी टू आस्क क्वेश्चन ये बहुत ज़रूरी है हर एम पी का क्वेश्चन पूछना द अपोजिशन पार्टीज हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट अब जो अपोजिशन है जो विरुद्ध खड़ी पार्टी है वो अक्सर इनकी कमियाँ इनकी पॉलिसीज में से जो है वो ढूंढती है इनके प्रोग्राम्स की गलतियाँ जो है वो निकालती है क्वेश्चन आर यूजअली रिटर्न डाउन एंड गिवन टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस The minister takes some time to get the desired information from the department. A member who desires an oral answer to the question is required to mark it with the star. Such questions are known as starred questions. Starred questions. Some questions without stars are also asked. दीज आर मैंट फॉर रिटर्न आंसर्स दे आर कॉल्ड अनस्टार्ट क्वेश्चन अब क्या होता है मिनिस्टर को क्वेश्चन दिए जाते हैं अगर उनका जवाब हमें ऑरली चाहिए तो उस पर स्टार लगा दिया जाता है उन्हें स्टार्ट क्वेश्चन भी कहा जाता है लेकिन जिनका जवाब लिखित चाहिए उनके ऊपर स्टार नहीं लगाया जाता उन्हें अन क्वेश्चन कहा जाता है देर आर अदर वेज ऑल्सो इन विच मम्बर्स कैन कीप कंट्रोल ओवर द गवर्मेंट सम ऑफ दिस आर कॉलिंग अटेंशन नोटिस एडजोनमेंट्स मोशंस एक्सेट्रा यह सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है इन दीज केसेज मेम्बर्स आर रिक्वेस्ट द स्पीकर टू हैव अ पॉइंटेड डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू तो इसमें स्पीकर को कहा जाता है कि वह एक पर्टिकुलर मुद्दे पे पॉइंट करे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोशन इज़ कोल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन द पार्टीज मे हैव अ मोशन दैट द लोकसभा डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ़ द मेजोरिटी इन द हाउस वोट अगेंस्ट द मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यूज टू बी इन पावर वोटिंग चलती रहती है टाइम टू अंडर टाइम अंडर मोशन पावर्स के लिए हाउ एवर इफ़ द मेजोरिटी वोट्स फॉर द मोशन द काउंसिल मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन अगर उसे मेजोरिटी वोट नहीं मिलती तो उन्हें रिज़ाइन भी करना पड़ता है इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ नेसेसरी फाइनेंस को लेके जितने भी मैटर हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है संसद का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है द फाइनेशियल्स पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स तो इसमें बेसिकली ग्रांट्स आती हैं जो पैसा पास किया जाता है अलग अलग कामों के लिए द पार्लियामेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड इस बात का भी पार्लियामेंट ध्यान रखता है कि जो सरकार है वो नाजायज़ खर्चा ना करे और गलत ख़र्चा ना करे दिस इज़ डन थ्रू डिस्कशन ऑफ़ द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पजेज़ टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ़ द पार्लियामेंट और अगर सरकार कोई नए तरह का टैक्स लागू कर रही है तब भी उसे संसद की इजाज़त लेना पार्लियामेंट की इजाज़त लेना कम्पलसरी है द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैव अ पाविटल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट तो मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है संसद के जो उनका रोल है कि हर चीज़ का कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म करना पार्लियामेंट को दिस इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी तो यही मुख्य तौर पर की एस्पेक्ट है जो हमारे लोकतंत्र जिसपे काम करता है लॉ मेकिंग कानून बनाना द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट देश भर के लिए अलग अलग कानून बनाता है और ये इसका मुख्य काम है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं टिल द नाइनटीन सेवेंटीज़ मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू द अपर क्लासेज एंड अपर कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी उन्नीस सौ सत्तर के दशक से पार्लियामेंट में हमेशा ऊँची जात और ऊँची कास्ट के लोगों के जो हैं वो हैं इंडियन सोसाइटी के मोस्ट ऑफ़ देम बिलोंग टू नेशनल पार्टीज़ बहुत सारे नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं नाउ द पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर मेम्बर्स फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंडस लेकिन आज जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जो है पार्लियामेंट में आने लगे हैं देयर आर मैनी मेम्बर्स बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज़ एंड रूरल पार रीजनल पार्टीज अब कुछ ऐसे भी हैं जो रीजनल पार्टीज़ और जो गाँव वाले जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं

पिछड़ी छोटी जात के लोग थे जो दलित थे उनके द्वारा भी पार्टिसिपेशन जो है वो किया जाता है रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व इलेक्शन विच आर वेरी कॉस्टली ओफन मनी एंड मसल पावर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हालांकि डेमोक्रेसी बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर भी पैसा और ताकत जो है वो बड़ा मुख्य रोल निभाती है कैंडिडेट के लिए इलेक्शंस के अंदर देयर फोर इट इज़ फेल्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी और ये भी माना गया है कि सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बिना पैसे के खाली जो है परफेक्ट नहीं है सोसाइटी के लिए दलित्स बैकवर्ड कास्ट एंड अदर हिस्टोरिकली मैगनलाइज्ड कम्युनिटीज़ डू नॉट हैव एडिकुएट रिप्रेजेंटेशन और जो पुरानी ये पिछड़ी हुई जातों के लोग हैं इनको आज भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिज़र्व इन द लोकसभा फ़ॉर एस सी एंड एस टी तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ रिजर्व सीट्स भी रखी गई हैं लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए This has been done so that these representatives can represent, safeguard, and promote interest in their communities. Of the total 543 elective seats in the Lok Sabha, 423 are in general category, while 79 seats are reserved for SC and 41 for ST. जिसमें सेवेंटी नाइन सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और फोर्टी वन सीट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई हैं इट हैज़ ऑल्सो बीन रियलाइज दैट वुमेन डो नाट हैजेंटेशन इन वाइस द पार्लियामेंट देयर टोटल पॉपुलेशन देर फॉर हैज़ बिन प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ़ थर्टी थ्री परसेंट सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा अब तैतीस परसेंट जो सीटें हैं वो औरतों के लिए लोकसभा में रखे जाने की बात कही गई है वुमेन रिजर्वेशन बिल इज़ पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट एंड इट इज़ बीइंग अनेस्टली डिबेटेड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन ये अभी भी, भी बिल जो है वो पास नहीं हुआ है इस रूल जो है वो पास नहीं हुआ है थर्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट सीट्स वाला ये अभी भी, भी पेंडिंग है बट देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय वुमेंस लेकिन औरतों द्वारा जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ी है वुमेन वोटर टर्न आउट इंक्रीज फ्राम थर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट इन नाइन्टीन नाइन्टी में देखा गया कि पहले जो था अट्ठतीस पॉइंट परसेंट औरतें वोट डालती थी लेकिन उन्नीस में फिफ्टी एट परसेंट लोगों औरतों ने वोट डाली The number of women contestants has progressively risen elections after election. Uh, election ke baad jo politics mein. The figure who remained under 50 in the first two general elections rose to 65 in the third, to 355 in the 14th, Lok Sabha to 556 in 15th and 636 in the low. लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन टू थाउजेंड फोर्टीन कितनी अच्छे से जो प्रोग्रेस हो रही है औरतों की पॉलिटिक्स में आने की देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रजेंटेटिव इनफ क्या ये सही है मैं मानना है कि जो हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है वो सही है एज वी हैव डिस्कस अबाव स्टिल देर आर कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स विच आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर आज भी ऐसी लोग और कम्युनिटीज हैं जो ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं में द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फाइटिंग एंड इलेक्शन प्रिवेंट्स पुअर पीपल फ्राम बींग इलेक्टेड एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव तो अब क्या है गरीब लोग कभी भी नेता नहीं बन पा रहे क्योंकि जो पैसों की डिमांड है इलेक्शंस को जीतने के लिए वो बहुत ज़्यादा है देयर फोर देयर हैज़ बीन सजेशन फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस तो इसीलिए स्टेट फंडिंग इलेक्शंस के लिए फंड आना चाहिए हा एवर द वेरी फैक्ट दैट वी आर कंसर्न अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व द क्वेश्चन इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी दैट आर इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ताकि जो सब है उनको समानता से वोट्स लड़ने के लिए वोटों के लिए खड़े होने का भी अधिकार मिले और हम वाइब्रेंटली कह सकें कि हम लोकतांत्रिक हैं लोकतांत्रिक देश में रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द रोल ऑफ पार्लियामेंट तो संसद की भूमिका के बारे में था हमने बहुत कुछ जाना कैसे इलेक्शन होते हैं कैसे कौन लड़ता है कैसे जीता जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर रीड द चैप्टर केयरफुल एंड बेटर ट्राई टू सोल्व दस गिवन At the end of the chapter, okay? Thank you.